पूजा भट्ट ने बुरी तरीके से जया को एक्सपोज कर दिया है। और आपको बता दूं कि भाई जया शंकर जो है वो क्लियरली एकदम उनका जो मुखौटा था, जनता तो ये कह रही कि यार जया का जो मुखौटा था वो उतर चुका है और अब जया खुद को किसी भी एंगल से बचा नहीं सकती हैं और ना ही कुछ बोल सकती हैं। लाइक पूजा ने जिस तरीके से एक्सपोज किया, जिस तरीके से पूरी तरीके से जया का गेम बताया, भाई ये टॉप नॉच इंसिडेंट था। एक वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ये वीडियो देखने के लिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। आपको बता दूं कि जया जो है वो इस समय बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा लॉस्ट तो नजर आ ही रही है, लेकिन जया कहीं ना कहीं कुछ सेंटेंसेस में अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर बताने के लिए सामने वाले को गलत भी साबित कर देती हैं। ऐसे कितने सारे वीडियोज आपको ट्विटर पर मिल जाएंगे जहां पर जिया जो है वो क्लियरली एक्सपोज हो गई क्योंकि वो आकर झूठ बोल रही थी, जबकि अंदर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं और यहाँ पे आके कुछ दूसरा इंसिडेंट बताया गया। जैसे अगर कल आपको याद होगा, कल आपने एपिसोड देखा है, तो एल्विश ने जब कस्टर्ड खाया, कैरमल कस्टर्ड, तो उस तरीके का रिएक्शन नहीं दिया था जैसा जिया ने बाहर जाके बताया था। मैं और पूजा भट्ट के अगर सामने सामने वो आए तो भाई ये तो होना ही है। लाइक पूजा भट्ट ने क्लियरली ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी और क्लियरली जिया को कितनी बार बोला भी है कि आप मुझसे दूर रहिए, आप मेरे मुंह मत लगिए। लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे क्या हुआ है। जी आप देख सकते हो, एक मिनट मैं इसको दोबारा से आपको वीडियो में प्ले करके दिखा देता हूँ। इस वीडियो में जिया जो है पूजा भट्ट को बोलती है कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। ये देख लेते हो आप, एक घर में रहते हैं तो हमारे बीच में अगर प्रॉब्लम्स होती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो सबके सामने आ रहे हैं। अगर मेरी कुछ फॉल्ट है तो मैं जाके बोलती हूँ, मैं सॉरी बोलती हूँ, जो कुछ भी है मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनका हाथ नहीं छोड़ना। अच्छा हाँ, तो वो चीज हो रही है तो मैं उसमें कर रही हूँ। हमारी बीच की प्रॉब्लम है, हम बात कर रहे हैं। आपको पूजा का रिएक्शन देखिएगा, आप बोलिए, आपको ओपिनियन है, आप दीजिए अपना ओपिनियन, बट दिस इज व्हाट इट इज। ओके डन, या कैन आई स्पीक? श्योर। तो मैंने फलक को एक चीज आपके सामने कही मगर आपका ध्यान कहीं और था। ऐसे प्लीज जिया को अकेले में समझाओ कि उनको लगता है कि बैड बिहेवियर बिग बॉस के घर में रिवॉर्ड होगा, मगर जब वो इंडस्ट्री में पेश होगी ना और वो हर चीज में उठ के बोलेगी मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। कोई मनीषा को बोल रही है फ्रिज साफ कर दो, नहीं I'm sorry, people never behave like that। आपको फिर मनीषा की चीजें नहीं दिखाई दी जो उसने मेरे साथ। I'm speaking now, let me finish। तो मैंने उनको बोला कि उसको समझाओ कि उसने पहली फिल्म की है, लोग जो है टैलेंट नहीं देखते हैं, अच्छा दिल देखते हैं। इफ यू गोइंग टू कम अक्रॉस सो टेम्परामेंटल एंड डिफिकल्ट, It's going to be not very good for you। मैंने आपको कहा कि नहीं फॉलो, आपने अग्री किया कि नहीं? आती नहीं है। आपने अग्री किया? मैं भी काम कर रही हूँ। और अगर मैंने गलत बोल दिया आप अग्री नहीं करते, मुझे पता है आप अग्री नहीं करते। अगर मैं गलत थी आप मुझे बोल देते और मैं आपकी बात मानती। जो उसका भाई पूरी तरीके से जो है धो डाला है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लियरली जिया को पूरा धो डाला है। इस पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, मैं जरूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।